हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जो उस समय की, जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी रुड़की में, और उस समय मैं थर्ड ईयर में था। तो गाइस, स्टोरी कुछ ऐसे होती है, ऐसे स्टार्ट होती है कि लाइक ये मतलब किस्सा है, स्टोरी क्या बताऊँ, एक किस्सा है जो ऐसा हुआ था कि जब जब छुट्टियाँ होती थी, सेम ब्रेक होता था, तो हर स्टूडेंट अपने अपने घरों से, अपने अपने एरिया से कुछ ना कुछ लेके आता था, कुछ ना कुछ लेके आता था। तो हमारा एक फ्रेंड था बनारसी, मतलब बनारस से था, वाराणसी से, तो बनारसी बोलते थे उसको। तो वो जो फ्रेंड है, वो बनारस से स्पेशल लड्डू लेके आया था, लेके आने वाला था, जिसने बताया था काफ़ी फेमस है। वो भांग के लड्डू थे, भांग के लड्डू उसने बोला काफ़ी फेमस है, और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। हॉस्टल में हमारा जो ग्रुप था, लाइक हमारा सिविल बैच था, आईआईटी रुड़की का सिविल इंजीनियरिंग वाला बैच, तो उसके अंदर लाइक हमारे हॉस्टल में लगभग 15 जने हम रहते थे, 14-15, मतलब सिविल के जो थे। तो हम वेट कर रहे थे काफ़ी शिद्दत से कि भाई कब वो आए, और अगले दिन से क्लासेस चालू होने वाली थी। तो वो रात को लेट आया, और हम सारी आत्माएं तड़प रही थी कि कैसे ही जब लड्डू हाथ लगे और हम उसका स्वाद उठाएं और इन्जॉय करें, ठीक है ना, तो प्रसाद का थोड़ा इन्जॉय किया जाए। तो क्लास थी, सुबह क्लास थी, हमने सोचा था लाइक हम 3-4 लोग थे, हमने सोचा था कि यार बाद में क्लास से आने के बाद खाएंगे। लेकिन कई भयंकर तड़पती हुई आत्माएं जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो क्लास में जाने से पहले ही थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, खा लेते हैं क्लास से पहले, जाने से पहले, सुबह ब्रेकफास्ट में अच्छा हो जाएगा। तो स्पेशल लड्डू आए हुए थे, तो सबने सोचा चलो ठीक है, आधा आधा खा लेते हैं, क्या ही होगा, लड्डू हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, भांग का ही तो लड्डू है। तो भैया हमने लड्डू खाना शुरू कर दिया, पहले थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, जैसे छोटा टुकड़ा खाया, ठीक लगा टेस्ट, तो आपस में ऐसी बात करने लगे, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, ये वो बकवास है, कुछ नहीं होने वाला इससे, ठीक है ना। अब ठीक है भाई, चलो तो थोड़ा और खा लेते हैं, हमने थोड़ा सा और लड्डू खा लिया, फिर भी वही बोल रहे कुछ लोग, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। फिर क्या हुआ, इतनी देर में हमारे दो फ्रेंड्स थे, लाइक हम ग्रुप में बैठे हुए थे, दो फ्रेंड्स थे, वो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, रुके हुए थे ऐसे, समझ गए हम कि भैया गेम चालू हो चुका है। फिर हमने उनको जगाया कि भैया इतना मोहब्बत से एक दूसरे को मत देखो, सही नहीं रहेगा। फिर ये होना शुरू हो गया, मतलब दुनिया रुकने से लग गई, टाइम स्लो सा होने लगा, और ज़िंदगी बहुत हसीन सी लगने लगी, यानी उसका असर होना शुरू हो गया था। लेकिन क्लास जाना बहुत ज़रूरी, एक बार तो मनाया कि चलो यार छोड़ो क्लास बंक करते हैं, इन्जॉय करते, ठीक है ना, लेकिन क्लास जाना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसे प्रोफेसर की क्लास, जो प्रोफेसर बहुत ही खतरनाक, अगर हम नहीं गए तो अटेंडेंस कम रह जाएगी, बैक लग जाएगी, और फिर उसके बाद दोबारा से लगे रहेंगे क्लासेस में, तो क्लास जाना बहुत ज़रूरी, अटेंडेंस तो भैया बिल्कुल हमारी मार्जिन पे, बॉर्डर पे चलती थी। बस फिर हम चलना शुरू हुए। हमारे हॉस्टल से जो हमारा डिपार्टमेंट था, वो इतना दूर नहीं था, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन आज वो बहुत दूर लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम चले जा रहे हैं, और जो बिल्डिंग है हमारी, वो दूर जाते जा रही है, ऐसा लग रहा था। ऑब्वियसली असल में ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसके बाद हम बिल्डिंग में बहुत मुश्किल से पहुंचे। पहुंचने के बाद हमारा लाइक सेकंड फ्लोर पे हमारी क्लास थी, बहुत मुश्किल से हम ऊपर चढ़े, मैं बता नहीं सकता कितना डिफिकल्ट था, ऐसा लग रहा था पहाड़ चढ़े जा रहे थे। बहुत खुश थे, लेकिन ज़िंदगी बहुत हसीन थी, इतना अच्छा सुरूर चढ़ा हुआ था, इतने खुश थे हम, बहुत शानदार, ठीक है भाई। पहुँच गए क्लास में, हम सारे के सारे आउट ऑफ पूरा बैच हमारा लगभग 75 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से हम 15 जने अलग अलग जगह बैठ गए कि भाई एक साथ बैठ गए तो एक दूसरे को देख के हंसी आएगी। तो हम सारे के सारे क्या हुए, स्कैटर्ड होके अलग अलग बैठ गए क्लासरूम में, ठीक है ना। तो 3 इडियट्स का सीन आपको थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा वैसे ही मान लो आप। तो हम अलग अलग बैठ गए, उसके बाद भैया आ गए सर, सर से बहुत खौफ हमारा, बहुत डर लगता था, लेकिन उस दिन बिल्कुल डर नहीं लग रहा ज़रा सा भी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन थी, बाबा जी की बूटी जो ले ली थी हमने, प्रसाद, भांग का लड्डू, मैजिक कर दिया था उसने। तो अलग अलग बैठे हम, लेकिन सबको बहुत बहुत हंसी आ रही। सर ने क्लास शुरू की, तब तक उस दिन से पहले सर का जो टमी जो था ना, सर थोड़े से मोटे थे, थोड़ी टमी ऐसे थी, लेकिन उस दिन उनकी टमी सुपर बाहर लग रही थी, ऐसा लगती कि बहुत बाहर आ गई। हम टेंशन में हो गए एकदम, सर प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, लिटरली हमारे दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे कि ये कैसे हो सकता है, सर तो मेल है, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आ रही, सर की सारी बातें फनी लग रही, ठीक है ना, सर की जो आवाज़ है वो हमारे कान में अजीब सी गूंज रही। उसके बाद इतनी सी देर में हम में से किसी एक की चीख निकल गई,
क्लास में छोटी सी चीख, प्यारी सी ई, इस तरह की आवाज। एक्चुअल में ऐसा हुआ, जैसे ही उसकी चीख निकली हम समझ गए भैया एक बंदा तो फैल गया। थोड़ी सी ऐसी बाकी को भी आई, लेकिन सर भी हैरान कि मेरी क्लास में ऐसी किसकी हिम्मत हो गई, किसकी ऐसी हिम्मत हो गई कि जो मेरी क्लास में मतलब ऐसी आवाज आई। सर भी थोड़े शॉक्ड रह गए। उसके बाद लगभग 5 मिनट तक सन्नाटा, सर पढ़ा रहे हैं ये वो। उसके बाद फिर से एक और आवाज निकली, दूसरा बंदा वहां पे फैल चुका था, उसकी आवाज आई इस तरह की आवाज। सारे के सारे भैया, जैसे ही उस सेकंड आवाज आई ना, कोई अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया, हम बाकी इधर उधर से हंसने लग गए। हमारी हंसी को देख के बाकी लोग भी हंसने लग गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये, वो भी हंसने लग गए। वो होता ना भीड़ में चल रहा है भैया हंस रहे, सर एकदम हैरान हो गए कि ये क्या हो गया आज मेरे साथ, मेरी क्लास में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। सर एकदम गुस्से में आए, वो नोटिस करने लगे कौन कौन हंस रहा है, तो सर ने एकदम से गुस्से में आए और बोले स्टैंड अप। ऑब्वियसली हम, मेरे को तो खड़ा कर ही दिया, बाकी लोगों को भी खड़ा कर दिया। अब उसमें लगभग जो हमारी ग्रुप के 15 लोग थे, उसमें से 15 में से 10 को उन्होंने खड़ा कर दिया, और उसके अलावा 10 लोग ऐसे थे जो हमारे ग्रुप में नहीं थे, वो बेचारे बस साथ में हंस रहे थे कि भाई हम भी इंजॉय करते। तो सर ने एकदम से गुस्से में, फिर भी डर नहीं लग रहा था उस दिन, तो हम दुनिया में काफ़ी आसमान में उड़ रहे थे यू नो। तो फिर क्या हुआ, हाँ फिर सर ने बोला कम विद मी, आई विल शो यू हु आई एम। हमने सोचा सही है, तो अब उसके बाद चलना शुरू किया। अब उनको तो डर लग रहा होगा, बाकी बच्चों को, हमको तो कम ही लग रहा था, मतलब डर भी कहाँ लग रहा था। तो सर के पीछे पीछे, सर आगे आगे हम पीछे पीछे। अब ऐसा हो रहा था कि लाइक हमारी तो जिंदगी स्लो हो रखी थी, सर थोड़ा फास्ट जा रहे थे। तो ये हमारा क्लासरूम का ये गेट, इधर से कॉरिडोर, और सर का ऑफिस था यहाँ जाके, ठीक है, सर का ऑफिस यहाँ पे था। तो ये जो बच्चे थे ना, ये तो नॉर्मल मुद्रा में थे, वो तो जाए जा रहे थे, और हम पीछे रह गए। हमारा जो ग्रुप था, हम 8-10 लोग जो थे, वो पीछे रह गए और ये आगे रह गए। ये सर के साथ यहाँ चले गए, और यहाँ पे थी सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए। हम सर के पास नहीं गए, हम सीधा सीढ़ियों से नीचे गए और घर जाके, हॉस्टल जाके सो गए। वो जो 10 थे बेचारे, सर ने इतना चेक नहीं किया कि कितने लोग थे क्या थे, वो जो 10 थे, कौन से 10, जिन्होंने वो भांग का लड्डू नहीं खाया हुआ था, वो बेचारे फंस गए, बस हंस रहे थे। वो उनको क्या कर दिया, एक वीक के लिए उनको रेस्टिगेट कर दिया गया डिपार्टमेंट से, मतलब क्लास के लिए, बेसिकली एक वीक के लिए। नोटिस आया बाद में, उनको बाद में पता लगा कि भैया असल में खेल क्या था, असल में इंजॉय तो इन लोगों ने किया, ठीक है ना। तो पॉइंट इज दैट, आप समझ रहे हो इस किस्से में क्या क्या हुआ, कि उस भांग के लड्डू की स्टोरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर जाके हम पहुंचे, जाके हम सीधा सोए नहीं, जो बाकी हमारा आधा आधा लड्डू बचा हुआ था, सबसे पहले हमने उसको ख़त्म किया और फिर आराम से इंजॉय। ओके गाइज, आई होप आपको ये किस्सा पसंद जरूर आया होगा। ऐसे ही किस्से मैं आपसे बीच बीच में शेयर करता रहूंगा, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि IIT इज नॉट ओनली अबाउट द स्टडीज एंड यू नो करियर एस्पिरेशंस एंड ऑल, काफी कुछ फन भी रहता है, काफी कुछ मस्ती भी गाइज वहां पे होती है। बाकी हम तो बच गए थे, पर जरूरी नहीं है कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, ये चीज आपको भी करनी जरूरी है, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन हाँ हो गया था, ठीक है, सोचा आपके साथ शेयर करूं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।